नीमच प्रदेश सहित जिले भर में आए दिन लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में मंडी व्यापारी संघ ने एक बड़ा निर्णय लिया। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए मंडी व्यापारी संघ ने पूरे 5 दिनों के लिए मंडी बंद रखने का फैसला लिया है। इस दौरान किसी भी प्रकार की खरीदी बिक्री नहीं की जाएगी। व्यापारियों की व्यापारी संघ कार्यालय पर बैठक सम्पन्न हुई। बैठक व्यापारियों का कहना था कि वर्तमान में कृषि उपज मंडी में कृषि जिंसों की बंपर आवक हो रही है, जिसके कारण बड़ी संख्या में दूर दूर से किसान उपज लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। नीलामी और तोल के दौरान मास्क नहीं लगाया जा रहा और न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, जिसके चलते कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। मंडी व्यापारी संघ प्रतिनिधि नव्वल मित्तल का कहना था कि बुधवार को कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी 5 दिनों तक मंडी में अवकाश रहेगा। अब आगामी 18 से 22 सितंबर तक मंडी में मौजूद कोई भी व्यापारी किसानों की उपज का क्रय विक्रय नहीं करेगा। हमारे व्यापारी सदस्यों ने चाहा था कि कोरोना का ये संक्रमण काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी कोरोना की इस भयावह रूप ले लिया है। ऐसे में हम चाहते थे क्योंकि 3000 आदमियों की मंडी है, अपना तो डिस्टेंस मेंटेन हो पाता ना, कोई मास्क लगा पाता है। ऐसे में इस मंडी को क्रय विक्रय से प्रतिबंधित करने के लिए हमारे व्यापार संघ मीटिंग बुलाई अध्यक्ष महोदय ने, और अभी हमने सबने ये निर्णय लिया सर्वसम्मति से कि हम लोग 18 तारीख शुक्रवार से आगामी 22 तारीख मंगलवार तक 5 दिन के लिए इस मंडी को क्रय विक्रय से प्रतिबंधित करेंगे। और उसका लेटर भी दे दिया और मंडी ने घोषणा कर दी है कि 18 से 22 तक ये मंडी बंद रहेगी। और ये साथ में हमने ये भी चाहा है कि जैसे 2 शनिवार हम अभी 2nd और 4th का जो छुट्टी रखते हैं, उसके साथ साथ हमने ये भी मांग लिया है कि प्रत्येक माह के प्रत्येक शनिवार को ही मंडी बंद रहेगी। क्योंकि उससे क्या होगा कि शनिवार और रविवार 2 दिन मंडी बंद रहने से जो एक संक्रमण की कड़ी है वो भी टूटेगी, रेस्ट मिलेगा प्रॉपर। तो अभी जब तक कोरोना का भयावह रूप चलेगा तब तक हर माह के प्रत्येक शनिवार को भी मंडियां बंद रहेगी। अभी एक कलेक्टर साहब ने भी निरीक्षण किया था, तो क्या उसको देखते हुए? नहीं, जिलाधीश महोदय का तो एक आकस्मिक कोई निरीक्षण था, वो तो एक अपने हिसाब से आए थे और उन्होंने यहाँ पे जो भी व्यवस्थाएं थी उसमें कुछ कमियां रही होगी तो उसके लिए आदेश दिए होंगे, उसका तो हमें ज्ञान नहीं। मगर हमने तो अभी मंडी कोरोना के भयावह के उस डर से ही हमने मंडी बंद करी है। व्यापारी प्रतिनिधि नवल मित्तल।